हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले, सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले, यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले और राजस्थान टेट का एग्ज़ाम देने वाले इन सारे अभ्यर्थियों के लिए पहला क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूँ। आप सभी महानुभावों से, विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से अनुरोध है हमारा कि आप मेरे साथ बने रहिए। आपको रोज़ कम से कम एक प्रैक्टिस सेट अभ्यास करने के लिए मिलेगा। इसमें मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर्स लिए हैं और उन चैप्टरों पर आधारित प्रश्नों को समाहित किया है। अब मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, यानी भाषा और बोली लिपि से स्टार्ट करके मैंने वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि तक के चैप्टर्स आज के सेट पेपर में इंक्लूड किया है। आगे के और भी चैप्टर्स जो बचे हैं, वे सारे चैप्टर्स एक एक करके हर एक सेट में आते रहेंगे और आपका चैप्टर वाइज बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने का मैंने विचार बना लिया है। तो आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट वन। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित, सांकेतिक, मौखिक या साहित्यिक? देखिए, भाषा का जो मूल रूप होता है वह मौखिक होता है, क्योंकि पहले भाषा बोली जाती है और बाद में लिपि जब बनती है तो उसके बाद वो लिखी जाती है। तो भाषा का सबसे प्राचीनतम जो रूप है, जो असली मूल रूप है, वो मौखिक है। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों, मैंने जो अभी तक TGT, PGT और नेट एग्ज़ाम के लिए जो पेपर सेट्स अपलोड किए हैं, उसमें मैंने इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। चौथे प्रश्न पर को देखते हैं, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? आप सभी जानते हैं। अब कभी कभी आप कहेंगे कि इतने इजी क्वेश्चंस को क्यों इसमें इंक्लूड कर लिया। देखिए, मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि उसमें एक दो प्रश्न सामान्य मिल जाएँ, एक दो प्रश्न अच्छे लेवल के मिल जाएँ, हर टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने कोशिश किया है कि इन चैप्टरों से कोई भी प्रश्न आपका न छूटे, इसलिए मैंने सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं, तो हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 5, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? बहुत अच्छा प्रश्न। तो जान लीजिए, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए पंजाबी जो है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है प्रश्न, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, वो कौन सी भाषा है? तो पंजाबी जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, बिहार की राजभाषा हिंदी है, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, लेकिन तमिलनाडु की राजभाषा हिंदी नहीं है, इसलिए तमिलनाडु ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, ब्रज हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न संख्या 7, देखिए ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ऑप्शन ए सही है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे का दो क्वेश्चन और मिलेंगे जिसमें मैं आपको हर एक उपभाषा वर्ग के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? पत्र, आप जानते हैं पत्र में लिखना पड़ता है, तो पत्र मौखिक रूप हो ही नहीं सकता। परियोजना, जब कोई योजना मिलती है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो हमें लिखना भी पड़ता है, इसलिए परियोजना मौखिक रूप नहीं हो सकता। निबंध मौखिक रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लिखा जाता है। परिचर्चा जब हम करते हैं तो वहाँ मौखिक रूप का इस्तेमाल करते हैं, भाषा के मौखिक रूप का इस्तेमाल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो आप लिखेंगे परिचर्चा। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। सही बात है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है, वर्ण जिसको बोला जाता है और उसको लिखा भी जाता है, तो ए ऑप्शन तो सही है। बी, वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये बात सही है। कहा गया है न अक्षर तीति अक्षर, जिसका विनाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। तो वर्ण वह है संयुक्त संक्षिप्त ध्वनि, यानी सबसे न्यून या हम कह सकते हैं सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, वर्ण ध्वनि का केवल लिखित रूप है, ये अजीब बात हो गई। वर्ण यानी लेटर ध्वनि का केवल लिखित रूप नहीं है, उसको बोला भी जाता है, वह ध्वनि रूप भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये वाला। इसमें देख लीजिए, वर्ण ध्वनि का केवल लिखित रूप है, ये ऑप्शन गलत है। डी है, वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं, ये सही है। तो जो सही नहीं है प्रश्न में पूछा गया है वह है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है। आप जानते हैं स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप मेरा एक साल पुराना अपलोड किया हुआ वीडियो देखिए, वर्ण एवं उसके प्रकार, 7-8 लाख लोगों ने उसको देखा है, आप भी देख लीजिए, एक नंबर बढ़ जाएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा। उसमें मैंने स्वर और उसके प्रकार, व्यंजन और उसके प्रकार के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है। हरस्व, हरस्व स्वर होता है जिसमें अ ई उ री आते हैं। स्पर्श तो व्यंजन होता है, तो यहाँ लिखा गया है प्रश्न में स्वर का भेद नहीं है, तो इस हिसाब से स्पर्श जो है वो स्वर का भेद नहीं है, ये व्यंजन का भेद है जिसमें 5 वर्ग आते हैं, क छ ट त प और 25 लेटर आते हैं, क ख ग घ ङ छ छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 5 वर्ग जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है वो स्वर का भेद नहीं होता, ये व्यंजन का भेद होता है। दीर्घ स्वर होते हैं, सी ऑप्शन स्वर का भेद है। प्लुत भी स्वर होते हैं, स्वर का प्रकार है। जहाँ 2 मात्राओं से ज़्यादा का समय लगता है वहाँ प्लुत स्वर होता है, जहाँ 2 मात्राओं का समय लगता है वहाँ दीर्घ स्वर होता है। आ दीर्घ, ई दीर्घ, ऊ दीर्घ, री ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर आते हैं। चलिए 11वां प्रश्न, तो 10वें प्रश्न में आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन बी सही है। 11वां प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो प्रयत्न हम करते हैं, प्रयास करते हैं, उस आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, तस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों को मेरा वादा है कि आप मेरे साथ बने रहिए और बीच में उठ करके जाने की कोशिश मत करिए, प्रश्न पूरा कर लीजिए, रटा दूंगा आपको। और मेरा वादा है कि मैं आपका फिजिकल तो एग्ज़ाम देने जा नहीं सकता, उसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन रिटन एग्ज़ाम में हिंदी का पार्ट आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको एकदम कंठस्थ करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। CTET के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी जिसमें हिंदी 30 नंबर की आती है, टेट के एग्ज़ाम में हिंदी आती है, इसके अलावा जो भी डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें भी जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, खास करके हिंदी भाषी स्टेट राजस्थान, राजस्थान के सारे उम्मीदवार जो कि छात्र छात्राएं जो कि टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे अपीयर करेंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे बने रहें। हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी मोर देन 100 टॉपिक्स पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, वो देखिए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट पेपर्स भी सॉल्व करिए, PDF भी आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वीडियो जो मैं बना करके प्रैक्टिस सेट की दे रहा हूँ, इससे बने रहिए। आप लोगों की अच्छी तैयारी करने का मैंने अभी वचन ले लिया है और कैसे भी करके मैं अच्छी तैयारी आपकी कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है, तो स्पर्श जो है ये हो गया 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं,
स्पर्श व्यंजन जिसमें मैंने अभी अभी बताया कि 25 अक्षर आते हैं, क, च, ट, त, प वर्ग, ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में चार अक्षर आते हैं, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन में चार अक्षर आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। तो इस तरह से तीन व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी आप लिखेंगे, तीन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आते हैं 12वें प्रश्न पर। त, थ, द, ध, न यानी त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ऊष्ट है, कंठ है, मूर्धा है। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, वर्ण और उसके प्रकार और वर्णमाला, ये दोनों वीडियो को आप देखिए अच्छी तरह से। आपको मेरा विश्वास है कि आपको कभी ये चैप्टर भूलेंगे नहीं फिर कभी। उच्चारण स्थान त का जो होता है माय डियर फ्रेंड्स दंत होता है, क वर्ग जो होता है क, ख, ग, घ, अंग उसका कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का दंत होता है और प वर्ग का ओष्ठ होता है। तो त, थ, द, ध, न ये त वर्ग है, ये पांचों अक्षर का उच्चारण दंत से यानी दांत की हेल्प से होता है। जिह्वा यानी जीभ, मुंह के अंदर की जीभ जो आकर के दांतों को स्पर्श करती है अंदर अंदर, आप अभ्यास कर लीजिएगा घर पर और मेरी वीडियो देखिए। आइए, तो दंत यानी पहला ऑप्शन सही है 12वां का। 13वां प्रश्न देखते हैं, द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? बहुत जानदार और शानदार प्रश्न। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन बच्चों उन व्यंजनों को कहते हैं जहां दो व्यंजन एक साथ मिले रहते हैं, ठीक है। समान व्यंजन, कैसे व्यंजन? समान, दो समान व्यंजन एक साथ मिले, ऐसे व्यंजनों को हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा च और पूरा च, कच्चा, कच्चा लिखते हैं ना आप, आधा च और पूरा च, तो ये द्वित व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजनों को नहीं कहते हैं, गलत है। समान व्यंजनों के गुच्छ को, यस करेक्ट, गुच्छ यानी गुच्छा, गुच्छ यानी समूह, गुच्छ यानी ग्रुप। तो समान व्यंजन जब मिलते हैं उनका गुच्छ बनता है तो उसको हम द्वित व्यंजन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयोग को, फालतू बात है, नहीं। आगत ध्वनि वाले व्यंजनों को, गलत, खाली बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 14, किस शब्द में र का सही प्रयोग नहीं है? आदर्श, द के बाद र आधा आ रहा है, आधा र सही प्रयोग किया गया है, प्रार्थना सही प्रयोग किया गया है, प के बाद यानी आ के बाद र का उच्चारण हो रहा है तो थ के ऊपर लगाया, सही है। धर्म, ध के बाद र आ रहा है तो म के ऊपर चढ़ा दिया गया, सही है। कार्य क्रम, यहां क में जो र लगा है, क में र लगा नहीं है, क में पदेन वाला र आएगा, यहां रेफ वाला लगा दिया गया है म के ऊपर, वहां गलती हो गई है, क के नीचे र लगना चाहिए जो डंडी लगती है छोटी सी। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, यहां पर र का सही प्रयोग नहीं किया गया है। य, र, ल, व किस वर्ण किस श्रेणी में आते हैं? स्वर की श्रेणी में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, थोड़ी देर पहले मैंने व्याख्या की, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर की प्राणवायु या जिह्वा किसी भी मुंह के अंदर के आंतरिक भाग को, किसी भी भाग को अच्छी तरह से टच नहीं करती, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे, प्रार्थना शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, आप देखिए प में र लगा है नीचे, यहां आप देख सकते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ये देखिए प में जो र लगा है तो प आधा है यानी प हलंत के साथ धन र, अब उसमें आ लगा है धन आ हो गया, सही। उसके बाद आधा र आया है जो थ के ऊपर चढ़ा है तो आधा र यहां हो गया, उसके बाद थ आया है, थ के में अ मिला है तो थ हलंत के साथ प्लस अ हो गया, करेक्ट। प्लस थ, अभी थ तक तो हो गया, प्लस न आ गया, न हलंत के साथ लिखा गया क्योंकि उसमें आ मिला है, आ को अलग कर दिया गया। देखिए वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी शब्द में आई हुई समस्त ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो प्रार्थना शब्द का सही वर्ण विच्छेद ए वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। अब यहां मेरे पास इतना समय नहीं है कि क्या गलती है वो सब भी आप बताऊं, लेकिन ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, जो स्टार्टिंग की गई है बी ऑप्शन में देख लीजिए, प को पूरा लिखा गया है, प जमा अ लिखा गया जो कि गलत है, प आधा होता है पूरा र होता है तो प्र बनता है। फिर नीचे सी ऑप्शन में देखिए क्या गलती हुआ, आधा प तो लिखा उन्होंने सही कर दिया, उसके बाद र लिखा वो भी सही है, अब र में आ की मात्रा लगी है क्योंकि प्रा, आपको लगता होगा प में आ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा लगी है, गलत है, प
प में आ की मात्रा नहीं है, र में आ की मात्रा है, तो र में अ लगा दिया गया है, जो कि गलती हो गई यहां पर। फिर यहां चौथे ऑप्शन में क्या गलती किया उन्होंने, प के बाद पूरा अ लिख, मतलब प में अ लगा दिया, प को पूरा बना दिया, जो कि गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। सही वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है, अंग्रेजी में उसको स्पेलिंग कहते हैं और हिंदी में वर्तनी। अगर आपसे पूछा जाए कि राम की वर्तनी क्या है, तो आप बोलेंगे र, र में आ की मात्रा और म, राम, राम शब्द की ये वर्तनी है। अगर पूछा जाए कि राम की स्पेलिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आर ए एम। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राम स्पेलिंग एंड वर्तनी, वर्तनी हिंदी शब्द है और स्पेलिंग अंग्रेजी है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहां देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द, सही वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। सुषमा पहला वाला जो लिखा है वो गलत है, श जो है दंत स होता है, इस हिसाब से दो ऑप्शन दंत वाले हैं। अब इन दोनों में देखिए कि बी सही है या सी सही है। सुषमा में जो श आता है माय डियर फ्रेंड, वो दूसरा वाला वो मूर्धन्य आता है यहाँ, जबकि तालव्य लिखा है, जो कि गलत है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो सही है और सही वर्तनी वाला शब्द यही है। आगे देख लीजिए 18वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ भी वही बात लिखी गई है, यहाँ भी सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। मैंने दो प्रश्न लिए थे आपको वर्तनी वाले, शुद्ध वर्तनी वाला चैप्टर से दो क्वेश्चन मैंने लिया है। अब यहाँ देखिए, परीक्षा लिखी है, र में छोटी की मात्रा है, गलत है। यहाँ परीक्षा जो बी लिखा है, र में छोटी की मात्रा है और आधा क लगा है, जो कि गलत है। परीक्षा सी ऑप्शन सबसे सही है और डी ऑप्शन भी गलत है। परीक्षा लिखा गया है, परीक्षा शब्द की स्पेलिंग होती है प, र में बड़ी की मात्रा यानी दीर्घ ई की मात्रा और क्ष यानी जो ये संयुक्त व्यंजन क्ष है और उस पर आ की मात्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को कहते हैं, गलत बात। संधि दो शब्दों के मेल को नहीं कहते, दो मात्राओं के मेल को कहते हैं, गलत बात। दो मात्राओं के मेल को भी नहीं कहते, दो वर्णों के मेल को कहते हैं, हाँ कहते तो हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हम कह सकते हैं कि सी वाला सही है। चौथा ऑप्शन लिखा गया, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, ये पूरी बात बता रहा है चौथा ऑप्शन। दो वर्णों का मेल ही नहीं पर्याप्त है संधि के लिए, मेल होना चाहिए, उसके बाद विकार भी उत्पन्न होना चाहिए। जो बदलाव आता है दो वर्णों के मेल से, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो डी ऑप्शन सबसे सही है, इसलिए डी ऑप्शन पे टिक करेंगे और इसी को याद रखेंगे। मित्रों, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में आधे गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि, वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए भाई, स्वर संधि तो होती है जहाँ स्वर स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि होती है जहाँ स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि जहाँ विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, विसर्ग संधि होती है। ये वर्ण संधि, ये फालतू का एक शब्द ला दिया बीच में, ये गलत है। आगे प्रश्न संख्या 21। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, गलत बात। तीन भेद होते हैं, गलत। चार भेद होते हैं, गलत। पांच भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ गुण वृद्धि यण, दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग सुन करके मेरा साउंड क्लियर सुनना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण और आयादि, ये स्वर संधि के पांच भेद हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद है। नम जमा अस्ते, नमः जमा ते, न जमा मस्ते, नमः जमा स्ते। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नमः जमा ते, नमस्ते। ये विसर्ग संधि है, जब विसर्ग के बाद त या स आता है तो विसर्ग का आधा स हो जाता है, इसीलिए यहाँ नमस्ते जो विसर्ग लगा है, अह की मात्रा जिसको हम विसर्ग कहते हैं, इसकी जगह आधा स लग गया है। और ये नियम है विसर्ग संधि का, अगर आपको नहीं क्लियर है
तो मैंने स्वर संधि के सभी प्रकार, पांचों प्रकार, वृद्धि, गुण, यण, दीर्घ, अयादि, सारी पांचों संधियों पर, व्यंजन संधि के सभी तरह के नियमों पर, विसर्ग संधि के सभी तरह के नियमों पर मैंने वीडियो सेपरेट सेपरेट बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, संधि मेरी देखिए, प्लेलिस्ट छांटिए संधि की और रिवाइज कर लीजिए। चलिए 23वां प्रश्न, दश जमा आनन दशानन में कौन सी संधि है? अच्छा प्रश्न, 23वां, बी ऑप्शन सही है, दीर्घ संधि। दश श के अंदर अ और आनन का अ, अ और आ मिलने से आ बनता है, दीर्घ संधि है यहां, स्वर संधि का पहला प्रकार, तो बी ऑप्शन सही है। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद है, स्व जमा आगत गलत, स्वा जमा आगत गलत, सु जमा आगत करेक्ट, स्वा जमा आगत गलत, तो सी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। अब हाँ, एक चीज थोड़ा और बता दूं, स्वागत में सु जमा आगत कैसे हो गया? देखिए यहां पर यण संधि है मित्रों, यण संधि में नियम होता है कि जब ऊ या ऊ के बाद अ या आ जाए, यानी कोई विजातीय स्वर आ जाए, तो वहां वह हो जाता है। तो आ आया इसलिए वाह हो गया, क्योंकि वह तो बना, लेकिन इधर स्वर है यहां देखिए आप, इसलिए वो आ की मात्रा लग गई वह पे। अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जितना एक्सप्लेन हो सकता है उतना कर दिया। अगला देख लीजिए, तो 24वें में सी ऑप्शन सही था। 25वां देख लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत के आधार पर शब्द का भेद नहीं है? देखिए स्रोत के आधार पर तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशी होता है, विदेशी होता है, ये सब शब्दों के प्रकार होते हैं। स्रोत के आधार पर शब्दों का जो प्रकार है, शब्द और पद की मेरी वीडियो देखिए, शब्द और पद टाइटल उसका है, शब्द और पद, उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया इसके बारे में, अगर डाउट है तो देख लीजिएगा वो वीडियो। हाँ, यहाँ जो लिखा है पर्यायवाची शब्द, वो स्रोत के आधार पर शब्दों का प्रकार नहीं है, गलत है वो, तो सी ऑप्शन सही है 25वें में। 26वां प्रश्न देखते हैं, जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द गलत बात, रूढ़ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, विकारी शब्द नो गलत बात, देशी शब्द वो भी सही नहीं है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हैं। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते? संज्ञा शब्द विकारी होता है भाई, संज्ञा में परिवर्तन होता है तभी तो वचन उसके बदले जाते हैं, लिंग उसकी बदली जाती है, कारक बदला जाता है, तो संज्ञा विकारी शब्द है। विशेषण भी विकारी शब्द है कि विशेषण में भी परिवर्तन होता है, अच्छा अच्छी अच्छे, परिवर्तन नहीं हुआ तो आखिर ये शब्द कैसे बने? विशेषण शब्द विकारी शब्द है। क्रिया भी विकारी शब्द है, क्रिया में बदलाव होता है, लिंग के आधार पर कर्ता का लिंग बदल जाता है तो बदल जाता है, और वचन बदल जाता है तो क्रिया बदल जाती है, काल बदलता है तो क्रिया, क्रिया में परिवर्तन तो होता है, ये विकारी शब्द है। लेकिन विकारी शब्द नहीं होते ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्रिया विशेषण जो होता है वो अव्यय होता है, अव्यय, जो व्यय ना हो, जिसको बदला ना जा सके, जो चेंज ना किया जा सके, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकारी नहीं है, विकारी नहीं है मतलब क्या है, ये अविकारी है, तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते? तो क्रिया विशेषण शब्द विकारी नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये अविकारी होते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता, इनको बदला नहीं जा सकता। 28वां प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, सूर्य तत्सम शब्द है, शुद्ध संस्कृत का शब्द है, मुख शुद्ध संस्कृत का शब्द है, तद्भव इसका होता है मुंह, सूर्य का सूरज, दही दधि लिखा है, दही होता है इसका, तो दही भी, दही दधि जो लिखा है वो भी शुद्ध संस्कृत है, तत्सम शब्द है। यहाँ हाथ जो है इसका हस्त संस्कृत शब्द होता है, हाथ जो है तद्भव है, ये तत्सम शब्द नहीं है, बी ऑप्शन सही है। अब आ जाइए 29वां, कौन सा शब्द संकर शब्द है? अब मित्रों पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनाए जाते हैं, समझ में आ गया होगा, इतना ही संक्षिप्त में बता सकता हूं, पेपर सेट में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा आप ऊब जाएंगे, इसलिए
मैं उतना एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि ताकि आपको हेल्प मिले, और जितना एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं वो आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा हूं। अगर आप कमेंट फालतू में लिख करके देंगे कि अरे भाई इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, ये है वो है, भाई हो सकता है आपके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना रही हो, बाकी के लिए रहो। तो विद्यार्थी सारे एक ही माइंड और एक ही मस्तिष्क और एक ही बुद्धि का क्षमता लेकर के तो पैदा नहीं हुए हैं, सबकी अलग अलग बुद्धि क्षमता है, मुझे सबको देख के चलना है, इसलिए खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे करिए, मेरा सिद्धांत वही रहता है। कौन सा शब्द संकर शब्द है? डॉक्टर संकर शब्द नहीं है, कमल संकर शब्द नहीं है, रेलगाड़ी संकर शब्द है, किसमें, जिसमें दो भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, इसलिए ये संकर शब्द है। पगड़ी भी संकर नहीं है, ये देशज शब्द है, देशज है पगड़ी। तो सी ऑप्शन सही है 29वें में। अंतिम प्रश्न, उसके बाद मैं धन्यवाद बोलूंगा। 30वां प्रश्न, नीलकंठ कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक है, तकनीकी है या योगरूढ़ है? मित्रों, नीलकंठ शब्द योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि ये विशेष अर्थ बता रहा है, तो विशेष अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो योगरूढ़ शब्द कहलाता है। ये इसमें दो शब्दों का योग तो रहता है, दो शब्दों का योग होने के साथ साथ ये विशेष अर्थ बताता है, इसलिए इसको योगरूढ़ कहते हैं। तो मित्रों धन्यवाद, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों को, दूसरों से, ताकि वे भी ज्ञान अपना बढ़ा सकें, अपने मित्रों दोस्तों सगे संबंधियों तक इसको पहुंचाइए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए फिर अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।